नमस्कार द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं परमेंद्र कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रथम अध्याय जो हम लोग पढ़ चुके हैं उस अध्याय में आए हुए प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सारे प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पर है। पिछले अध्याय में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ा था, पतन लास्ट वीडियो था उस अध्याय का। तो आपके सामने ये प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। लगभग पिछले 8-10 सालों में ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका कलेक्शन यहाँ पे है सबका, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय उनका भी कलेक्शन यहाँ पे है। और ये प्रश्न बार बार आगे भी पूछे जाएंगे, पहले तो पूछे ही गए हैं लेकिन अगले एग्जाम में भी इन्हीं प्रश्नों में से रहेंगे। तो यह चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का ही सिर्फ प्रश्न यहाँ पे है। इसी तरह जब अगले चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जब पूरा वीडियो समाप्त जब होगा उस चैप्टर का तो हम लोग प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करके लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ वह है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हमने पढ़ा है कांस्य युग, आंसर हो जाएगा कांस्य युग। काफ़ी महत्वपूर्ण है या 2010, 14, 18 और 19 चार बार यह हो चुका है पिछले 10 सालों में। दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान उनको नहीं था, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहा का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, उनको सोना चांदी और तांबा का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला तीसरा जो प्रश्न है वह है राखलदास बनर्जी अर्थात आरडी बनर्जी को मोहन जोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, किस वर्ष मिले यानी कि उत्खनन किस वर्ष हुआ। तो 1922 में मोहन जोदड़ो का उत्खनन हुआ, 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ दयाराम सहनी के द्वारा और 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ। यह भी प्रश्न 2009 और 13 में हो चुका है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था। तो आर डी बनर्जी यानी कि यही राखलदास बनर्जी ने किया था। 2018 और 2020 में यह प्रश्न हो चुका है। पांचवा प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो रावी सबसे पहले उत्खनन हुआ था हड़प्पा का, रावी नदी के किनारे स्थित है। 2016, 18 और 2020 में यह प्रश्न पूछ चुका है। उसी प्रकार यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह लगभग 5 बार पूछ चुका है, 5 बार यह पूछा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, इसके बारे में पढ़ाई हो चुकी है विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सातवां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो मोहन जोदड़ो 2010, 12 और 20 में पूछा हुआ है। लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में। तो गुजरात में 2016, 18 और 19 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। वैसे ऑप्शन यहाँ पे 4 आएंगे लेकिन यहाँ पे सिर्फ आंसर ही दिया हुआ है, आंसर दिया गया है कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, 2015 में पूछा हुआ है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो साहित्य नहीं आता है, बाकी सिक्के अभिलेख और भग्नावशेष पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, साहित्य जो है वह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है। अगर बच्चे इन प्रश्नों को याद कर लें तो उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस अध्याय से नहीं छूटेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 7 प्रश्न जो हैं बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं प्रश्नों में से रिपीट होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय ये 4 प्रश्न है, यही प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं आप देख सकते हैं। लघु उत्तरीय में है इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, यह लगभग 4 बार पूछा है पिछले 10 सालों में, 2009, 13, 16, 18 में पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुरातत्व से आप
क्या समझते हैं 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि 2010 और 15 में यह पूछा गया है। इसका वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, यह प्रश्न भी 2009 में पूछा है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, यानी कि जो सबसे पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग, उत्तरी और दक्षिणी जो स्थल हैं उनके बारे में यह पूछा जा रहा है, तो इसका भी वीडियो बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें, नगर योजना, यह वीडियो भी बन चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहारित सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, जैसे कि मोहनजोदड़ो से 700 कुएं मिले हैं और धौलावीरा से बड़े बड़े जलाशय मिले हैं, इससे प्रतीत होता है कुएं और जलाशयों से सिंचाई होता था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, पिछले वीडियो में मैंने पतन के बारे में बताया था, उस वीडियो का आप अवलोकन कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या क्या थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इन्हीं लघु उत्तरीय प्रश्नों में से ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनाए गए हैं, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें, इसका मैं अलग वीडियो एक बना दूंगा विभिन्न स्रोतों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में इसकी चर्चा नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना कीजिए, यहाँ पे पूछा हुआ है, लघु उत्तरीय में भी यह प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय में भी यह प्रश्न है। फिर है हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण, आप देख सकते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय में भी है और दीर्घ उत्तरीय में भी है, 2012 और 14 में पूछा हुआ है। फिर अगला है हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण, यहाँ पे भी पूछा हुआ है और आप लघु उत्तरीय में भी देख सकते हैं, यानी कि यह प्रश्न, ये प्रश्न जो है, ये तीनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, लघु उत्तरीय में भी पूछा हुआ है और दीर्घ उत्तरीय में भी यह प्रश्न बार बार आया हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं।